ये हमारी पांच लाइनें हैं और इसमें से जो है चार लाइनें हमारी क्या है, कुछ कंपोनेंट के थ्रू होते हुए ये सीधी क्या है हमारी सीपीयू में निकल गई हैं। और एक लाइन जो है हमारी आपको नज़र आ रही है हमारे रजिस्टर पे होके, ये सीधी है जो है पीएम में निकल गई है। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे पास जो फ़ोन है ये है एमआई का रेडमी 7 और आज हम जानेंगे इसके टच सेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें टच वर्क नहीं कर रही है, देखिए इसमें जो है बिल्कुल भी टच काम नहीं कर रही है। देखो दोस्तों, देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है टच। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे इसके पूरे टच सेक्शन के बारे में, कौन सी लाइनें कहां से निकलती हैं, कहां जाती हैं, कितना जीआर मिलना चाहिए, पूरी टेस्टिंग के साथ इसकी इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एडवांस में लाइक कर लीजिए और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम इसका जीआर चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी शुरू की जो छः लाइनें हैं, छः पॉइंट हैं सॉरी, ये हम चेक करते हैं टच के। देखिए पहले पे हमें जीआर मिल रहा है 5 पॉइंट के समथिंग, और दूसरा हमारा ये ग्राउंड है। ठीक है, ये सॉरी, ये दूसरा हमारा तीसरे पे देखिए ये देखिए, तीसरे पे हमें हल्का सा जीआर मिलेगा, देखिए और फिर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर जीआर नहीं मिल रहा है। चौथे पर हमें जीआर मिल रहा है, ठीक है, और ये हमारी जो पांचवी लाइन है, देखिए ये हमारे सही करके लग नहीं पा रहा है। ये देखिए सही करके मैं प्रॉप लगाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ जीआर मिल रहा है, यानी पांचवी पे हमें क्या है जीआर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ आपके लिए एकदम फ्री क्लास, जिसमें आपको जो है चिप लेवल तक की नॉलेज दूंगा आपको, और 101% कोई भी आपके साथ ना फ्रॉड होगा, ना कोई फेक वीडियो होगी, ना कोई फेक नॉलेज होगी, फ्री में आपको दी जाएगी वो नॉलेज जो आप 40,000-50,000 दे के टाइम खर्च करके लेते हैं। तो दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए आने वाला हूं बहुत जल्द स्पेशल क्लास आपके लिए, जिसमें हम बताएंगे कैपेसिटर कितनी कैटेगरी का होता है, उसको कैसे चेक करना है, उनके काम क्या होते हैं, कॉलें कौन सी होती हैं, कितनी उनकी कैटेगरी होती हैं, कैसे चेक करने हैं, और रेजिस्टर जो है हमारा वो कितनी तरह का होता है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको हम नाप सकते हैं कि कितने किलो ओम का है। ये सारी की सारी नॉलेजें, सारे कंपोनेंट के बारे में, सारी आईसीयू के बारे में कि कौन सी आईसी किस काम के लिए लगाई जाती है, कब क्या चेक करना है, फोन डेड होगा तो आपको कैसे ट्रेसिंग करनी है, फोन में कब क्या प्रॉब्लम है, आपको डीसी से कैसे जान लेंगे मिनटों में, आप यूएसबी चार्जर से कैसे जान लेंगे मिनटों में, आपके हाथ में आते ही फोन खुद ही बोलेगा कि मेरे अंदर ये खराब है, ऐसा कुछ आपको हम नॉलेज देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बनना चाहते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार मैकेनिक, तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, तैयार रहो। देखिए मैं ये नहीं कहता आप किसी इंस्टीट्यूट में मत जाइए, आपकी मर्जी है, आप जहां जाइए 30,000-40,000-50,000 जो आपको दिल चाहे जितने चाहे उतने खर्च कीजिए, लेकिन आप फ्री में अगर एडवांस लेवल तक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, और जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको इस चीज का खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, अगर आप आज हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप कुछ ही महीने बाद देखेंगे खुद को कहां से कहां आप पहुंच गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं बोर्नियो के जरिए आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बोर्नियो हमने खोल लिया है, देखिए ये हमारी पांच लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पांच लाइनें हैं, इसमें से आपको पहली नज़र आ रही है, देखिए ये कहां से कहां गई, दूसरी लाइन हमारी ग्राउंड है खाली आपको दिख रही है, ठीक है, और तीसरी चौथी पाँचवी, ये पाँच लाइनें हमारी हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन तो हमारी ये यहाँ निकल गई पावर में, ठीक है, ये पीएम में आ गई हमारी, ये हमारी पीएम आईसी लगी हुई है, ये पीएम आईसी में चली गई, और बाकी लाइनें जो हैं हमारी चार लाइनें वो ये हमारा सीपीयू है, देखिए ये हमारा सीपीयू हो गया, तो ये देखिए सीपीयू में यहाँ से निकली है ये लाइनें हमारी, जो बाकी की चार लाइनें हैं वो ये सीपीयू में होकर क्या है हमारे इस जैक के ऊपर आ गई हैं। देखिए अब कौन कौन सी लाइनें हैं, ये इनके नाम लिखे हुए हैं, देखिए थोड़ा मैं सही करके दिखाता हूँ, एक लाइन ऊपर से आई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
तो दोस्तों आप सब जानते हैं मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा डायग्राम दे दूं, ताकि मेरे फ़ोन में तो कुछ दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन में एक ही समस्या निकले, एक ही दिक्कत निकले, हर फ़ोन में अलग अलग निकल सकती है, सेम भी निकल सकती है। इसलिए मैं क्या है पूरे की पूरी लाइनों का डायग्राम दे देता हूँ, ताकि आपके फ़ोन में अगर कोई और भी समस्या हो तो आप क्या है उससे हल कर सकते हैं डायग्राम के ज़रिए। तो दोस्तों ये सारी के सारी लाइनें हैं, इसमें मैंने आपको बताई थी दूसरी लाइन ग्राउंड है, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है, ये लाइनें हैं। इनमें से एक लाइन जो छठी लाइन है ये हमारी पीएम में निकल गई है, पावर की वोल्टेज रेगुलेट की है, और बाकी की चार लाइनें जो हैं वो हमारी क्या है ये सीपीयू में निकल गई हैं, ठीक है दोस्तों। 1 किलो ओम का यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको आप ज़रूर चेक कर लें। और ये जो हमारी तीसरी लाइन है, मेरे फ़ोन में जो फॉल्ट है इसमें जो तीसरी लाइन है, ये हमारी लाइन जो है यहाँ पे देखिए आप, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है, इसको ज़रूर चेक कर लीजिए कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बाकी है या नहीं है, ठीक है। मैंने इसको चेक किया था, मुझे यही ख़राब लग रहा है। तो दोस्तों रजिस्टर जहाँ भी लगा हुआ है उसमें आप एक मरतबा ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसके अंदर रजिस्टेंस बाकी है या नहीं। देखिए उसके लिए दोस्तों आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि रजिस्टर को हम कैसे चेक करेंगे, कितने किलो ओम का है, कैसे चेक करना है कि 0 ओम का है तो उसको कैसे चेक करना है, 50 किलो ओम का है तो कैसे चेक करना है, 200 किलो ओम का है तो कैसे चेक करना है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको जो है वो 50-60 हज़ार खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ यारो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको दूंगा सारी की सारी नॉलेज जो मिलती है आपको पैसे खर्च करने के बाद, हम देंगे फ्री में आपको वो नॉलेज। तो हम लोग जो है ना वो रजिस्टर को नज़रअंदाज कर देते हैं ज़्यादातर लोग, और रजिस्टर से ही फॉल्ट रहता है। जब उसके अंदर का रेजिस्टेंस जो है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, वो ख़त्म हो जाती है और हम उसको क्या है इग्नोर कर देते हैं और पता लगता है कि फॉल्ट उसी से था। तो दोस्तों पूरा का पूरा डायग्राम मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जो कि देता है आपको रोज़ रोज़ कुछ नई नॉलेज, कुछ नया सीखने का मौका।